नमस्कार दोस्तों, मैत्री बुटीक में आज हम बनाने वाले हैं देवचना स्लीव डिज़ाइन, जिसके लिए हमने दो पोर्शन कट करके रखे हुए हैं। पहले वाला जो पोर्शन है, इसकी लंबाई आप देख सकते हैं लगभग 14 इंच है, और इसकी स्लीव्स का ऊपर वाला पार्ट है, इसकी है हमारी 7.5 इंच। ये नीचे वाला हिस्सा है, इसके लिए हमने लंबाई रखी है 5.5 इंच और चौड़ाई रखी है 9.5 इंच। इसी मेजरमेंट को आप ले सकते हैं। सबसे पहले ये वाला पोर्शन है, तो इसमें हमारे छोटा सा कट डालेंगे और इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको इसमें छोटा सा पोर्शन यहाँ पर मार्क करना है 4.5 इंच पर। इतना पोर्शन छोड़कर आपको यहाँ से प्लेट्स बनाने शुरू करनी है। देखिए, लगभग इतनी प्लेट्स आपको इसमें बनानी है। एक एक करके लगभग 8 से 10 प्लेट्स मैं यहाँ पर बना दूंगी। दोस्तों, ये डिज़ाइन अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और पफ स्लीव्स का ही ये एक टाइप है, जिसको आप ब्लाउज में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, और बनाने के बाद ये काफ़ी सुंदर भी लगता है। और ये है हमारा एक और प्लेट, वहाँ पर बना देते हैं और इसको यहाँ पर मेज़र कर लीजिए। यहाँ पर भी हमारा ये 4.5 इंच ही है, जितना कि हमने स्टार्टिंग में इसको छोड़ा था। आप देखिए, दूसरी साइड आपको इससे ओपोजिट डायरेक्शन में बनानी है। देखिए, इस तरह से प्लेट्स बनानी है। इन सभी को नीचे की तरफ भी बना करके सिलाई लगा देंगे। ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है और बनाने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। देखिए, हमारे जो स्लीव्स का जो पफ वाला पोर्शन था वो हो चुका है। देखिए कितना अच्छा हमारे यहाँ पर पफ बनेगा अगर आप इस तरह से अपनी प्लेट्स को बनाते हैं। अब नीचे वाले पोर्शन को तैयार करना है, जिसके लिए हमने एक पट्टी ली है और इसकी चौड़ाई रखी है 3 इंच। इस पट्टी को आप इस तरह से रखिए और बीच में से अपने बाजू को फोल्ड कर दीजिए। यहाँ पर मार्किंग करनी है हमें, 1 इंच छोड़कर इस तरह से मार्किंग कर दीजिए और यहाँ से आपको इसको कट कर देना है थोड़ा सा शेप डालते हुए। किसी तरह की कोई पेस्टिंग वगैरह का जरूरत नहीं है, आप सिंपल अपने फैब्रिक की मदद से ही इस डिज़ाइन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर सिलाई लगा करके इसको अटैच कर दीजिए। इस तरह से ये हमारी अटैच हो जाएगी और इस कलर की हम यहाँ पर पाइपिंग बना लेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे कट्स जरूर लगाएं, जिससे हमारी जो पाइपिंग है वो अच्छे से बन करके तैयार हो जाए। नाखून की मदद से प्रेस कर दीजिए और इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम यहाँ से सिलाई लगा देंगे। इससे हमारे साथ साथ हल्की सी पाइपिंग बन जाएगी और किसी तरह के आपको बीड्स वगैरह या फिर किसी तरह अलग मेटल की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सिंपल, आप सिर्फ कपड़े की मदद से ही इस डिज़ाइन को बहुत अच्छा से बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से हम यहाँ पर पाइपिंग बना देंगे। अब देखिए, एक हिस्सा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसी के जो नीचे वाला पोर्शन है उसको तैयार करेंगे। यहाँ पर भी हमें पाइपिंग बनानी है। इसके लिए हमने यहाँ पर एक 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इस पट्टी को आप 2 फोल्ड करके यहाँ पर के रख दीजिए और सिलाई की मदद से अच्छे से अटैच कर दीजिए। जो भी आपको ये हमने एक्स्ट्रा पट्टियाँ इस्तेमाल की हैं, तो फोल्ड करने के बाद अंदर इसमें आप तुरपाई डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है साइड में निकला हुआ है, इसको थोड़ा सा कट कर दीजिए। यहाँ पर आप जितना पोर्शन रखेंगे उतनी ही चौड़ी आपकी पाइपिंग बनेगी, तो जितना हो उसके कम से कम यहाँ पर आप मार्जिन छोड़ें। देखिए, इस तरह से आप इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी एक बिल्कुल बारीक सी इस तरह से पाइपिंग बना देंगे। और दोस्तों, ये हमारा जो स्लीव्स का नीचे वाला हिस्सा है, जो कि अब तैयार हो चुका है, और इसको हम अटैच करेंगे अपने पफ के साथ। तो पफ को हम ले लेंगे और इसमें हमें मार्किंग करनी होगी सेंटर पॉइंट के लिए। तो इसको आप फोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक कट लगा दीजिए। ये हो जाएगा हमारा सेंटर। आप इसी के ऊपर आपने जो तैयार किया था, देखिए, इस वाले हिस्से को यहाँ पर रख देंगे और अच्छे से पिन की मदद से सिक्योर कर दीजिए। 2 से 3 पिन आप यहाँ पर लगा करके आसानी से इसको अटैच कर सकते हैं। अब हम आसानी से सिलाई लगा देंगे। जो पाइपिंग है बिल्कुल इसके साथ साथ होते हुए ये सिलाई हम लगा देंगे, जिससे ये पोर्शन हमारा अटैच हो जाएगा। कितना सिंपल है इसको बनाना, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है और दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब लास्ट में हमें स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए देखिए, हमारा आर्म होल अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, जितना आपको रखना है।
8 इंच तैयार हुआ है मेरा। यहाँ पर हम 2.5 इंच पर मार्किंग करके इस तरह से शेप डाल देंगे और मोहरी जो भी आपकी मोहरी है उस पर मार्किंग कर दीजिए। और इस तरह से हमारी बाजू तैयार है। आप इसको ब्लाउज पीस, कुर्ती पीस, जिस पर भी आप अटैच करना चाहें अटैच कर सकते हैं। इससे पहले जो हमारा फिटिंग वाला पोर्शन है इसका, वो भी हम डाल लेते हैं। अपने आर्म होल के अकॉर्डिंग अपनी फिटिंग पर मार्किंग करें ऊपर से और इस तरह से सिलाई लगा करके हम अपनी बाजू को तैयार कर देंगे। और आप सीधा करने के बाद देख सकते हैं कितना अच्छा है डिज़ाइन बन करके तैयार होगा। यहाँ पर आप कट लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत डिज़ाइन तक के तैयार हो गया है और कितना सुंदर ये पफ देखिए यहाँ पर बन रहा है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका जो पफ है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और आपका डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो इस तरह के डिज़ाइन आप तैयार कर सकते हैं। नीचे वाले पोर्शन में आप बटन्स भी लगा सकते हैं जिससे ये डिज़ाइन और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।